शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात लगातार सामने आ रही है। एसपी बीएसपी गठबंधन भी प्रियंका को समर्थन दे सकता है, ये अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आपको बता दें, जहां पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेंगे। इस वक्त की ताजा खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, और प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। लगातार ये चर्चा थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी बीएसपी गठबंधन भी प्रियंका को अपना समर्थन दे सकता है, हालांकि अंतिम फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेंगे। ये बड़ी खबर आपको हिंदी खबर पर सबसे पहले बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, और प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात लगातार सामने आ रही है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, और एसपी बीएसपी गठबंधन भी प्रियंका को अपना समर्थन दे सकता है, हालांकि इस पूरे मामले में जो अंतिम फैसला होगा वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ये चर्चा थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, और आज ये खबर एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये अहम जानकारी सामने आ रही है, प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात लगातार सामने आ रही है, जहां पर एसपी और बीएसपी गठबंधन भी प्रियंका को अपना समर्थन दे सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जो अंतिम फैसला होगा वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेंगे। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले की बात है, जब प्रियंका गांधी ने मजाकिया लहजे में ही सही पर यह बात कही थी कि क्या वाराणसी से चुनाव लड़ जाओ, जिसके बाद से ही ये चर्चा जोरों पर है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी हो सकता है पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरे, और अपनी ताकत देखने को जरूर वो इस बार आजमाना चाहती हैं। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ये चर्चा अब जोरों पर है, और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबर लगातार सामने आ रही है, और एसपी बीएसपी गठबंधन भी प्रियंका को अपना समर्थन दे सकता है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो अंतिम फैसला होगा वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेंगे। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ये चर्चा जोरों से उठी थी, जब प्रियंका गांधी ने मजाकिया लहजे में ये बात कही थी अपने कार्यकर्ता से, अपने साथ में मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहा था कि क्या वाराणसी से चुनाव लड़ जाऊं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में डॉक्टर दिग्विजय सिंह जुड़ चुके हैं, हिंदी खबर के एडिटर लाइव। दिग्विजय जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, क्या लगता है कि ये सिर्फ चर्चा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर वाकई में प्रियंका वाराणसी से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं? देखिए, अगर कयास हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें वास्तविकता हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी को उनके पहले ही चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारने की जो है ये रणनीति कांग्रेस की होगी नहीं, क्योंकि एक मजबूत मुकाबला है, और अगर पहला ही चुनाव प्रियंका गांधी चुनाव हार जाती हैं तो एक तरह से उनकी भ्रूण हत्या कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर वो हो सकती है, तो ये जोखिम कांग्रेस उठाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ तो स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को भरोसा नहीं है और वो केरल से भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका के लिए उनके पहले ही चुनाव में ऐसा जोखिम उठाएंगे इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी बात चल रही है तो शायद इस पर चर्चा हो रही हो, लेकिन ऐसी संभावना हकीकत में लगती कम ही है गरिमा। बिल्कुल, लेकिन दिग्विजय जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं, ये भी खबर सामने आ रही है कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन है वो भी प्रियंका को अपना समर्थन दे सकता है, और अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो उसमें 2 लाख से ज्यादा के वोटों के मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अगर इस बार प्रियंका मैदान में आती है तो क्या लगता है कि प्रियंका के लिए जो नए वोटर्स जुड़ सकते हैं, क्या कोई टक्कर देखने को मिल सकती है वाराणसी में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के बीच में?
गरिमा, वाराणसी से बाहर रह के हमें ऐसा लगता है कि गठबंधन के सारे पार्टियां जो हैं अगर वो समर्थन करेंगी तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, लेकिन अगर हम वाराणसी की बात करें, मैं वहां काफी समय बिता के आया हूं, अभी जो है वहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, मेट्रो की बात चल रही है, हाईवे बन चुके हैं, तार बिजली के तार अंडरग्राउंड हो चुके हैं, पूरे वाराणसी की जो है कायाकल्प एक तरह से कह सकते हैं, वो घाटों का जो है कायाकल्प हो चुका है, जो अस्सी घाट जो लंका घाट जो है पहले कूड़े के ढेर में तब्दील होते थे, वहां अब शाम में बनारस जैसे खूबसूरत इवेंट्स होते हैं, तो कुल मिला के बनारस के लोग काफी पॉजिटिव है मोदी को लेकर। तो ऐसे में अगर सारा गठबंधन मिलकर भी चुनाव लड़ता है तो जो कहते हैं कि साख का दांव पे लगना, वो नरेंद्र मोदी के लिए ना होकर प्रियंका गांधी के लिए बात होगी, क्योंकि संभावना इसकी बेहद कम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां किसी तरह की मुश्किल आएगी, भले ही कोई विपक्ष के सारे पार्टियां एक हो कहीं कोई उम्मीदवार क्यों ना उतारे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।